कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है। ऐसे में बहुत से मजदूर और गरीब परिवार हैं जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में छिंदवाड़ा में भारतीय मजदूर संघ की सराहनीय पहल सामने आई है। संघ लगातार क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों को भोजन के पैकेट का वितरण करा रहा है। छिंदवाड़ा में भारतीय मजदूर संघ द्वारा लगातार गरीब मजदूरों को भोजन पैकेट दिए जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील है, इस लॉकडाउन के दौरान सभी गरीबों की मदद करें। ऐसे में भारतीय मजदूर संघ की इस पहल की काफी सराहना की जा रही है। छिंदवाड़ा जिले के पेंच क्षेत्र में मजदूर यूनियन के लोग लगातार मजदूरों को सहारा दे रहे हैं। कोल्यांचल के जिन मजदूरों के पास खाना नहीं है और पूरी तरह मजदूरी पर निर्भर थे, ऐसे लोगों को चिन्हित करके संघ द्वारा उनके पास भोजन की व्यवस्था बनाई गई है और भोजन के पैकेट बनवाकर ऐसे लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। संघ का कहना है कि लॉकडाउन तक मजदूरों को खाने की समस्या ना आए, इसीलिए यह कार्य किया जा रहा है। ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी के निर्देशानुसार भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ पेंच कन्हान के द्वारा लगातार ऐसे कामगार जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या जिन्हें अभी तक जो है राशन कार्ड जिनका नहीं बना है, ऐसे परिवार को चिन्हित करके भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ पेंच कन्हान के अंदर लगातार हर सबेरिया में, हर टाउनशिप में अपना जो है ये अनुदान और राशन आर्थिक सहयोग इत्यादि कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें तांसी से लेकर के नहरिया तक सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। सैकड़ों परिवार को राशन, किराना, साबुन इत्यादि उपलब्ध कराया गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।